नशे की दलदल में फंस रही कश्मीर की युवतियां, श्रीनगर में अब केवल 4 आतंकी सक्रिय। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर रेंज के IGP विजय कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस नशेड़ियों पर भारी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि युवतियां भी इस दलदल में फंस रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस नशेली पदार्थों के धंधे में लगे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में विकास के दृष्टिकोण को साकार कर रही केंद्र। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने जन पहुंच कार्यक्रम के तहत बुधवार को पुलवामा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में वृद्धि और विकास के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अतिरिक्त जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडितों की याद में स्मारक। साल 1990 में आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडितों की याद में जम्मू में तवी नदी के किनारे स्मारक बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय के एक समूह ने इसकी नींव रखी। माता भद्रकाली संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप पंडिता ने कहा कि सेना के युद्ध स्मारक की तर्ज पर जम्मू में पहली बार इस तरह का शहीदी स्मारक स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर को लेकर जम्मू कश्मीर भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 7 मुख्य कार्यक्रम करेगी। संबंध में बुधवार को महासचिव संगठन अशोक कोल की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में हुई नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पे साधा निशाना। महबूबा ने कहा कि भाजपा डंका पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी समाप्त कर दी है, लेकिन मैं कहती हूँ आज जम्मू कश्मीर में जितनी रिश्वतखोरी है उतनी पहले कभी नहीं थी। इसके साथ साथ महबूबा ने कहा कि आज यहाँ सबका दम घुट रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे मिले हैं। श्रीनगर में गोल्फ प्रतियोगिता 18 सितंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता विजेता को मिलेंगे 40 लाख रुपए। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता 18 सितंबर तक चलेगी। इसके विजेता को 40 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। TS वजीर हत्याकांड मामले में जम्मू के डिग्याना से दूसरे आरोपी बलवीर भी गिरफ्तार। पूर्व MLC त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या का दूसरा आरोपी बलवीर सिंह उर्फ बिल्ला को भी दिल्ली पुलिस ने जम्मू के डिग्याना से गिरफ्तार कर लिया है। देश के 20% व्यस्क आबादी को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों लगी खुराके। 62% ले चुके हैं पहली डोज। देश के 20% व्यस्क आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराके मिल चुकी हैं, जबकि 62% को कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है।